यहाँ पे हमारे सामने है दी ऑल न्यू XUV 300 टर्बो स्पोर्ट्स। दोनों आपको टॉप ऑफ द लाइन W8 ऑप्शनल वेरिएंट मिल जाएंगे। सो ये आपका फुल ब्लैक में है और ये आ जाता है आपका ड्यूल टोन में। सो W8 और W8 ऑप्शनल जो दो वेरिएंट्स हैं, इनमें आपको सिंगल टोन और ड्यूल टोन दोनों का ऑप्शन दिया गया है। जो सिंगल टोन और ड्यूल टोन में, इनका जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको लगभग 20,000 के आसपास मिल जाएगा। मतलब ये जो आपका सिंगल टोन वाला है, ये आपको 12,75,000 का मिल जाता है और ये आपको 12,90,000 एक शोरूम में पड़ जाएगा। बस जो एक्स्ट्रा पैसे है वो ड्यूल टोन में आपको दिए गए हैं। सो अब आपको डिसाइड करना है कौन सा कलर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये आपका वाइट में आ जाता है और ये ब्लैक एंड वाइट में आपका वेरिएंट दिया गया है। सो जो मेजर चेंज है यहाँ पे, आप इसके इंजन में आपको मिल जाएगा, टर्बो इंजन मिल जाता है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 130 BHP की पावर एंड 230 Nm ऑफ टॉर्क। दोनों ही गाड़ियों के आप लेफ्ट साइड के फेंडर पे आपको यहाँ पे TGDI की बैजिंग मिल जाएगी। गाड़ियाँ थोड़ी गंदी हो रखी है, सो इग्नोर करना उस चीज़ को। यहाँ पे आपको एस्थेटिक चेंजेस मिलेगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो लाइट्स दोनों में LED DRLs मिल जाती है। बट ये जो लैंप्स है, अभी भी यहाँ पे हैलोजन प्रोजेक्टर ही दिए गए हैं, मतलब येलो में आते हैं। आई डोंट नो ये कब वाइट लाइट में आएंगे। सो ये एक चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी कि टर्बो वेरिएंट में महिंद्रा देगा। बाकी एस्थेटिक चेंजेस आपको मिलेंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर के इंसर्ट्स मिल रहे हैं। सो ये ब्लैक में ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और वाइट में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रेड कलर के इंसर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एस्थेटिकली यही कुछ चेंज आपको मिलेगा। सो ऐसा कुछ दिया गया है, मेजर चेंज था इसका इंजन। इंटीरियर्स में भी थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हैं और यहाँ व्हील्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको मिल जाते हैं 16 इंच के व्हील। तो मुझे इसमें भी लग रहा था 17 इंच के अगर व्हील दिए जाते तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता, बट यहाँ पे आपको 16 इंच के दिए गए हैं। बट यहाँ जो व्हील का डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसका जो टायर सेक्शन है ये दिया गया है 205/65 R16। ऑल फोर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और जो इसका व्हील बेस है वो 2.6 मीटर का है। अंदर की स्पेस में काफ़ी कंफर्टेबली जो भी कस्टमर्स हैं वो इंजॉय करके बैठ के जर्नी इंजॉय करते हैं। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। उसके अलावा इंटीरियर्स में मैं दिखा दूँ, यहाँ पे फुल ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ नीचे दिखा दूँ तो पेडल्स भी अब आपको ना मेटेलिक टच दिया गया है ताकि एक और स्पोर्टी फील का जो फील है वो आपको स्पोर्टी लगे। अंदर से कुछ ऐसी देखने में लगती है, मेजर चेंज ऐसा इतना कुछ नहीं किया है इंजन को छोड़ के। ऊपर में आपको येलो लाइट्स मिल जाती है, सो आई डोंट नो ये कब चेंज करेगा महिंद्रा और ये वाइट में देगा, क्योंकि कैबिन में जो लाइट होगी ना और भी ज़्यादा ब्राइट लगेगी। बाकी वही ओल्ड डिस्प्ले है। यहाँ पे रियर की बात की जाए तो एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा। सबसे पहले कीज़ कुछ ऐसी मिलती है आपको, ट्विन पीक महिंद्रा की बैजिंग, लॉक एंड लॉक, और इसको प्रेस करके रखोगे तो जो बूट है आपका ओपन हो जाता है। और बूट से याद है कि अभी भी वही 257 लीटर की बूट स्पेस आपको दी जाती है और 42 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है। एंड इस गाड़ी का एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू मैंने बनाया है, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन में आपको वो मिल जाएगा। और आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे को यूट्यूब पर। बाकी ऐसी कुछ स्पेस है, 60-40 में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है और सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील रिम में, साथ में टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। सो दोनों को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। मेन जो पर्पस है मेरा इन दोनों को साइड बाय साइड रखने का, कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ना इसके लुक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि यार कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लगेगी। अब देखो ब्लैक का ना एक अपना ही लुक आता है और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लग रही है एज़ कम्पेयर टू वाइट। वाइट फिर भी आपको ड्यूल टोन में दी गई है, बट जो ब्लैक का लुक है वो अभी तक मुझे बेस्ट लग रहा है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में, इंटीरियर्स भी थोड़े बहुत दिखा देते हैं। दोनों में एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर की थीम दे दी है। 8-way एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, मैनुअल यहाँ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। बाकी ये आपको मिल जाता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स के बटन और ये हेडलाइट लैवलर दिया गया है। सो डोर बहुत ही गंदा हो चुका है, बट यहाँ पे आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ के बटन दिए गए हैं। 1 टच डाउन मिलता है ड्राइवर वाला, ORVM के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी, ये बहुत ही ग्लॉसी लगता है देखने में, क्रोम का बहुत ही प्रीमियम टच देता है इस गाड़ी को। तो यहाँ पे वार्निंग लाइट्स भी मिल जाती है आपको। बाकी इंटीरियर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो जो क्लस्टर है वह तो पहले जैसे ही, इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं मिलता। एनालॉग में दिया गया है फुल और यहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले दी गई है। सो बेसिक जितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ आपकी मिल जाएंगी। जो स्टेयरिंग व्हील है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। यहाँ पे आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, फर्स्ट इन सेगमेंट और अभी तक इस सेगमेंट में आई डोंट नो कोई और गाड़ी प्रोवाइड करती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आ जाता है। ये यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं इंक्लूडिंग टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है और ट्विन पीक लोगो मिल जाता है। साथ में वही पुरानी डिस्प्ले है और यहाँ पे आपको
बहुत ही यूजेबल स्पेस दी गई है इसके ग्लव बॉक्स में, इंक्लूडिंग एक लाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ओवरऑल ये कुछ इसका इंटीरियर था। नीचे आपको दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं, ऑक्स वायर, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 6-speed गियर बॉक्स है और इसको ऐसे करोगे तो ये रिवर्स में चले जाएगा। यहाँ पे आपको दो पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस, यहाँ पे आपको पार्किंग मोड्स भी मिल जाते हैं दो। उसके अलावा स्टेयरिंग का मोड भी दिया गया है ना, ये जैसे आपको ड्राइविंग मोड दूसरी गाड़ियों में आता है तो इसमें स्टेयरिंग मोड है। 3 मोड्स दिए गए हैं, इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड, कंफर्ट एंड नॉर्मल मोड प्रोवाइड हो जाते हैं। बाकी ये कुछ इसकी सीट्स है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट बेल्ट की एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, ये आपको मिल जाता है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। यहाँ पे आपका आ जाता है ये सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग के साथ IRVM दिया गया है, पावर विंडो का बटन यहाँ पे मिल जाता है, सनरूफ का जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, 1-tap ओपन एंड क्लोज के साथ आ जाए तो अच्छा खासा साइज़ है इसका यार। इवन जब ये पीछे होता है, आई थिंक और पीछे होता है ये, हाँ इतना पीछे होता है ये, तो काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ आता है। बहुत ही तेज़ धूप आ रही है, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। बहुत अच्छा फीचर है यार, 1-tap के साथ क्लोज़ हो गया। माउंटेंस में जब आप जाओगे तो डेफिनेटली मतलब इन्जॉय करोगे। इसको क्लोज़ कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपका माइक्रोफोन आ गया, सन ब्लाइंड यहाँ पे आ जाता है, दूसरी साइड पे आपको दी गई होगी लाइट भी, इंक्लूडिंग वैनिटी मिरर। सो ऐसा कुछ आपको यहाँ सेटअप मिल जाएगा। एयरबैग्स की ब्रांडिंग, सो 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। चलते हैं इसके रियर सीट्स पे। यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक की स्कफ प्लेट भी दी गई है। ये कुछ इसके इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। ब्लैक कलर की आपकी ये लेदर सीट्स आ जाती हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी जो स्पेस है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। एंड साथ में ज़्यादा भी आपको ना ऐसा डार्क ना लगे तो ऊपर का जो पैनल है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको वाइट में दिया गया, मतलब क्रीम कलर का दिया गया है, जिसको ऑफ वाइट भी बोल सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे महिंद्रा की, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा कि यार नीचे तो पूरा ब्लैक में दे दिया है, अगर ऊपर भी दे दिया तो काफ़ी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा। बट चलो, ये काफ़ी अच्छा टच लगा मुझे महिंद्रा का। सो ये थी XUV300 टर्बो स्पोर्ट्स। आई होप वीडियो आपको लगी होगी अच्छी, और दोनों के प्राइस में 15,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ड्यूअल टोन लेना है तो आपकी मर्ज़ी, 15,000 ज़्यादा दे दो, और सिंगल टोन लेना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी। पर्सनली मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई डोंट नो ये जो हेलोजन बल्ब है येलो कलर का, ये कब चेंज करेगा महिंद्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम और मुझे सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे यूट्यूब में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।